Hello and welcome to SPMIS Academy. This is APSC Prelims Current Affairs session. Today we will be taking up topic number 456 to 480. So before you proceed, there is a clarification regarding biodiversity hotspots in India. कल ये मैंने topic cover किया था, तो मैंने थोड़ा सा superficial discuss कर लिया था, but एक student ने कुछ specific questions पूछे कि सर क्या पूरा आसाम का क्या पूरा part बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा है? तो जवाब है नहीं. जो मानस नेशनल पार्क वाला एरिया है, यानी कि हिमालयन साइड के जो कुछ एरियाज़ हैं, वही हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा. पूरा का पूरा आसाम जो है वो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का हिस्सा नहीं है. उसके अलावा सर, ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड है, ये क्या पूरा का पूरा सुंडालैंड में आता है? सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट? तो ऐसा नहीं है. अंडमान निकोबार में जो ऊपर वाला अंडमान है, इट इज़ पार्ट ऑफ इंडो बर्मा बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, और नीचे जो निकोबार है, दैट इज़ पार्ट ऑफ सुंडालैंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. मुझे लगा नहीं था कि एपीएससी इतना डिटेल में पूछेगा, इसलिए मैंने इतना एग्जैक्ट डिटेल नहीं बताया था, बट ठीक है, किसी ने डाउट पूछा तो मैंने इसको डिस्कस कर लिया. उसके अलावा थोड़े बहुत आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग डिस्क्रिपेंसीज मिलेंगी. कुछ किताबें लिख के देंगे कि ये पूरा का पूरा जो एरिया है आसाम वाला, ये इंडो बर्मा में लाई करता है, हिमालय में लाई नहीं करता है, तो ये सब डिस्क्रिपेंसीज रहेंगी. बट एज़ फार एज़ माई नॉलेज और दिस आसाम का ये जो हिमालयन साइड वाला एरिया है, वो खासकर मानस नेशनल पार्क वाला एरिया, दैट इट इज़ पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट एंड दैट टू पार्ट ऑफ हिमालयन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. चलिए आज का पहला टॉपिक लेते हैं. इट इज़ अबाउट हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी. हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी इज़ अ मॉडर्न मेथड ऑफ फार्मिंग. इसमें कैसा होता है कि प्लांट्स को डायरेक्टली सॉइल में ना डाल करके ऐसे वाटर में फ्लोट कराते हैं, और वाटर में खूब सारा मिनरल डाल देते हैं, फर्टिलाइजर डाल देते हैं, कि प्लांट्स के जो रूट्स हैं आराम से ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर पाए. तो इसमें कैसा है, सॉइल लेस टेक्नोलॉजी है. प्लांट्स आर ग्रोन इनसाइड वाटर, नॉट रूटेड इन द सॉइल, ब्लड फ्लोट ऑन द वाटर. वाटर इज गिवन विथ हाई कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल्स, इट हेल्प्स इन ग्रोइंग प्लांट्स एट ए फास्टर रेट. ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए था क्योंकि गुवाहाटी जू ने हाइड्रोपोनिक्स टेक्नोलॉजी को अपनाया है ताकि जल्दी से जल्दी प्लांट्स को वो ग्रो कराएं, ताकि वो अपने एनिमल्स को फीड की तरह दे सकें. चलिए इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को यहाँ पर अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 457 इज अबाउट 108th साइंस कांग्रेस. सो 108th साइंस कांग्रेस वाज हेल्ड एट सिम्बायसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे, और इस साल का थीम था साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड वीमेन एम्पावरमेंट. डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना हैज़ बीन इलेक्टेड जनरल प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन साइंस कांग्रेस फॉर द ईयर 2021. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 458 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. तो इट इज़ पब्लिश्ड बाय 3 ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द वर्ल्ड, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड इनसीआर. लेकिन सिर्फ आपके ऑप्शन में इस तरह से भी आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिशेज ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, और वहाँ पे सिर्फ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन होगा तो वो भी सही होगा, क्योंकि मेन जो ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स पब्लिश करने का काम करती है, ये यही ऑर्गेनाइजेशन करती है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, विच इज़ ए स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ यूनाइटेड नेशन. 2020 का थीम था हु विल फाइनेंस इनोवेशन. इंडिया की पोजीशन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में है 48 आउट ऑफ 131 कंट्रीज, और इंडिया पहली बार टॉप 50 में इंडिया ने अपनी रैंक बनाई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में. पहली रैंक हर बार की तरह स्विट्जरलैंड को गया है इस बार भी. स्विट्जरलैंड गॉट फर्स्ट रैंक इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020. चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 459 इज अबाउट तेजस ट्रेन. तो तेजस ट्रेन इज इंडियाज फर्स्ट प्राइवेटली ऑपरेटेड ट्रेन. इट ऑपरेटेड फ्रॉम दिल्ली टू लखनऊ. इट स्टार्टेड इन अक्टूबर 2018. इट इज ऑपरेटेड बाई IRCTC. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 460 इज अबाउट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. सो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट इज पब्लिश बाई वर्ल्ड बैंक, और इंडिया की रैंक इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 वाज 63. तो इंडिया ने पिछले कुछ सालों में लगातार अपनी रैंक इंप्रूव की है. 2014 में था 142, फिर 130, फिर 100, फिर 77, फिर 2019 ईयर के लिए रिपोर्ट पब्लिश हुई है 2020. तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट 2020 में ईयर 2019 की इंडिया की रैंकिंग थी, और जिसमें हमारी रैंक थी 63. दिस इज इंडियाज बेस्ट रैंक सो फार. न्यूजीलैंड वाज बेस्ट या फिर फर्स्ट ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कंट्री.
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के ये 10 इंडिकेटर हैं जिसके बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग दी जाती है। इसको एक बार अच्छे से देख लेना, इसको याद ना कर पाओ तो कोई बात नहीं, इस सवाल को जरूर अटेम्प्ट कर लेना और याद रखना, क्योंकि यूपीएससी ने इस पे सवाल पूछा था, यही वाला सवाल पूछा था, तो हो सकता है कि एपीएससी इसको एज इट इज़ कॉपी कर ले, तो याद रखना ये सवाल जरूर अटेम्प्ट करना। तो ये एक बार देखिए, ये 10 पैरामीटर्स के बेसिस पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग पब्लिश होती है और उसी के बेसिस पे ये सवाल है, तो कम से कम ये सवाल जरूर याद रख लेना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। फिर आगे चलिए, टॉपिक नंबर 461 इज अबाउट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन 2008। इट्स मेन पर्पस वॉज टू इम्प्रूव लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स। तो हमारे देश के 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किए गए। दिस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम इज रन बाय नीति आयोग। तो 115 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए। कोशिश ये की गई कि हर स्टेट से कम एक न एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट को आइडेंटिफाई किया जाए जहाँ पर लाइफ स्टाइल काफ़ी ख़राब है लोगों की, लोग काफ़ी गरीब हैं। इस तरह से 28 स्टेट से कम से कम एक एक डिस्ट्रिक्ट को पिकअप किया गया और 115 डिस्ट्रिक्ट्स की लिस्ट बनाई गई बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट की, जहां पे लोगों की लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कराने पे फोकस किया जा रहा है। और उन डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया, 115 डिस्ट्रिक्ट्स को कहा गया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, और वहाँ पे ये प्रोग्राम चलाया जा रहा है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम रन बाय नीति आयोग। आसाम के अंदर इस तरह के 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बोरपेटा, दरांग, धुबरी, ग्वालपारा, हाइलाकांदी, बक्सा एंड उदालगिरी। तो चलिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 462 इज अबाउट एसी डिफॉल्ट सेटिंग। तो पिछले साल एक न्यूज़ था, क्या पता एपीएससी पूछ ही ले, तो इसलिए मैंने इसको कवर किया है। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हमारे देश में पावर सेविंग के लिए बनाया गया है। तो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने सारे एसी मैन्युफैक्चरर्स के लिए गाइडलाइन रिलीज किया है कि आपकी डिफॉल्ट सेटिंग होनी चाहिए 24 डिग्री सेल्सियस। डिफॉल्ट सेटिंग मतलब जब भी कोई एसी ऑन करे तो 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के साथ ही ऑन होना चाहिए। इससे फ़ायदा क्या होता है कि बहुत बार लोग जिस टेम्परेचर पर एसी को ऑन करते हैं उसको बढ़ाते घटाते नहीं हैं, तो 24 डिग्री सेल्सियस ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे लोग नीचे नहीं करेंगे तो कैसा होगा कि पावर सेविंग होगी। तो डिफॉल्ट टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाए, ऐसा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने गाइडलाइन रिलीज किया फॉर न्यू एसीज टू बी मैन्युफैक्चर्ड। ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी 2001 में बनाई गई अंडर एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पावर, और जैसा नाम आप देख रहे हैं इसका काम ही है हमारे देश के अंदर एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाना। तो यही वो स्कीम थी, यही वो एजेंसी है जिसने वो उजाला स्कीम और स्ट्रीट लाइटनिंग नेटवर्क प्रोग्राम वो सब चलाया था। ऑलरेडी मैं करा चुका हूँ इस प्रीलिम्स करंट अफेयर सेशन में। चलिए, इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 463 इज अबाउट इंडियाज स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व। तो हमारे देश के अंदर हमने 3 ऑलरेडी स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व बना रखे हैं। तो आप समझिए, ऑयल रिजर्व कैसा होता है कि अंडरग्राउंड स्टोरेज बना करके रखा हुआ हमने, जहाँ पे कच्चा तेल हम रखते हैं, क्रूड ऑयल रखते हैं, और उसको हम तभी इस्तेमाल करेंगे जब हमारी कोई इमरजेंसी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। मान लो विदेशों से हम तेल नहीं ला पा रहे हैं, तब उस टाइम में इस तरह के ऑयल क्राइसिस से बचने के लिए हम इस ऑयल रिजर्व का ऑयल इस्तेमाल करेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हमने इंडिया के अंदर स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व बना रखा है, और इस स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व को मैनेज करने के लिए कंपनी है इंडियन स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड, जिसका हेडक्वार्टर है नोएडा में। अभी तक हमारे देश में 3 स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व हैं, मैंगलोर के अंदर इन कर्नाटका, दूसरा है विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, और तीसरा है पदूर इन कर्नाटका। तो ऑलरेडी हमारे यहाँ पे ये 3 हैं, विशाखापट्टनम में है, मैंगलोर में है, पदूर में है, और तीनों का अगर कैपेसिटी मिला दिया जाए तो कैपेसिटी है 5.33 मिलियन मेट्रिक टन्स। 2 और हम बना रहे हैं और स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व इन फेज 2। तो 2 और जो स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व हम बना रहे हैं, एक बना रहे हैं हम चांदी खोल इन उड़ीसा, और दूसरा बना रहे हैं इन पदूर कर्नाटका। तो 3 हैं ऑलरेडी, विशाखापट्टनम में, मैंगलोर में और पदूर में, और 2 और हम बना रहे हैं चांदी खोल इन उड़ीसा एंड पदूर इन कर्नाटका। जो पदूर जगह है कर्नाटका का, यहाँ पे अब 2 स्ट्रेटजिक ऑयल रिजर्व हो जाएंगे। जो चांदी खोल में बन रहा है उड़ीसा के अंदर, ये सबसे बड़ा होगा, लेकिन अभी तक ये बना नहीं है, इससे ये 4 मिलियन मेट्रिक टन्स का होगा।
चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 464 इज अबाउट सबका विश्वास स्कीम। तो देखिए, सबका विश्वास स्कीम इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए, तो जिनके ऊपर भी मान लीजिए इनडायरेक्ट टैक्सेस का कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, किसी की कंपनी है उसमें जीएसटी का डिस्प्यूट चल रहा है, तो सबका विश्वास स्कीम लेकर के आई थी सरकार कि सारे पुराने डिस्प्यूट्स को एक बार के लिए रिजॉल्व कर लीजिए। लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशन इसको कहते हैं। लीगेसी मतलब पुराने डिस्प्यूट को एक बार में रिजॉल्व कर लीजिए। सरकार कुछ रियायत भी दे रही थी कि आपको कोई भी हम पेनल्टी नहीं लगाएंगे, आपका ऊपर बस जो टैक्स है वो टैक्स जमा कर दीजिए, हम आपके ऊपर कोई भी पेनल्टी नहीं लगाएंगे, कोई भी केस नहीं करेंगे। सो इसके लिए लेकर के आया गया था सबका विश्वास स्कीम कि भाई जो भी पुराने केसेस चल रहे हैं, सरकार ने कहा कि एक बार के लिए आपको मौका दिया जाता है 2 महीने का, आपका जो टैक्स बनता है आपके ऊपर आप चुपचाप जमा कर दीजिए अंडर दिस सबका विश्वास स्कीम, हम आपके ऊपर ना कोई केस चलाएंगे ना कोई पेनल्टी लगाएंगे। तो दैट मीन्स इट देर वॉज एन एमनेस्टी कॉम्पोनेंट अंडर इट विच ऑफर्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द टैक्स पेयर टू पे आउटस्टैंडिंग टैक्स एंड बी फ्री फ्रॉम एनी कॉन्सिक्वेंसेज अंडर द लॉ। तो ये था सबका विश्वास स्कीम फॉर इनडायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट, और इसी तरीके का लाया गया डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट के लिए कि मान लीजिए आपका इनकम टैक्स का कुछ डिस्प्यूट है, कॉरपोरेट टैक्स का कुछ डिस्प्यूट है, तो उसके लिए लाया गया इसी तरीके का सबका विश्वास स्कीम। बट सबका विश्वास वॉज फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, और डायरेक्ट टैक्स के लिए लाया गया विवाद से विश्वास स्कीम, और दिट वॉज फॉर डायरेक्ट टैक्स डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म। इसमें भी एमनेस्टी कॉम्पोनेंट था टू रिजॉल्व लीगेसी डिस्प्यूट रिजोल्यूशंस। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 465 जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस। तो जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस में कैसा होता है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ होते हैं, इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ होते हैं, दे गिव सम प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट टू डेवलपिंग कंट्रीज़ एज फार एज ट्रेड इज़ कंसर्न, कि उनके यहाँ से जो इम्पोर्ट आ रहा है उस पर थोड़ा सा सस्ता वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगाएंगे या इम्पोर्ट ड्यूटी फ्री कर देंगे। तो इसको कहा जाता है जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेज। दुनिया के जो भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएस या यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़, वो लोग जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अंतर्गत प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज को या एलडीसी को, और इंडियन एक्सपोर्टर्स को इससे काफी फायदा होता है। उनको बहुत सारे केसेस में रिड्यूस्ड टैरिफ में एक्सपोर्ट करने को मिल जाता है, या ड्यूटी फ्री टैरिफ में उनको एक्सपोर्ट करने को मिल जाता है अपने प्रोडक्ट्स को टू द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज। लेकिन हाल फिलहाल में ये जीएसपी बहुत न्यूज में था क्योंकि अमेरिका ने बहुत सारा जो जीएसपी वो इंडिया के एक्सपोर्टर्स को जो देता था उसने कट डाउन कर दिया था, तो इंडिया को ओवरऑल $5.6 बिलियन के ट्रेड का नुकसान हुआ था। इस कारण से काफ़ी न्यूज में था जीएसपी। अंडर जीएसपी एक्सपोर्ट्स आर अलाउड एट जीरो और लो ड्यूटीज, बट रिसेंटली अमेरिका से हमको बहुत ज़्यादा फायदा होता था, लेकिन अमेरिका ने बहुत सारा जीएसपी हाल फिलहाल में कट डाउन कर दिया था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 466 हुबल टेलीस्कोप। ये एक स्पेस टेलीस्कोप है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में ऐसे घूमता रहता है और स्पेस को ऑब्जर्व करता रहता है। इट वॉज क्रिएटेड इन कोलाबोरेशन ऑफ नासा एंड यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड आवर अर्थ सिंस 1990, लेकिन अब ये बहुत पुराना हो चुका है और अब इसको धीरे धीरे रिप्लेस किया जाएगा, और इसको रिप्लेस किया जाएगा विथ अ न्यू टेलीस्कोप जिसका नाम है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। ये और भी बड़ा होगा और उम्मीद की जा रही है कि जेम्स वेब टेलीस्कोप को आने वाले टाइम में अक्टूबर 2021 तक लॉन्च कर दिया जाएगा। यह हुबल टेलीस्कोप न्यूज में इसलिए था क्योंकि पिछले साल इसने एक नया चीज ऑब्जर्व किया था, उसका नाम है एक नया फिनोमेना ऑब्जर्व किया था स्पेस से, उसका नाम था होली काउ कांस्टेंट। अब होली काउ कांस्टेंट की डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको इतना मान के चलना है कि होली काउ कांस्टेंट इज ए नंबर दैट हेल्प्स इन मेजरिंग द एक्सपेंशन ऑफ द यूनिवर्स। तो होली काउ कांस्टेंट को मेजर करने में ये हुबल टेलीस्कोप ने मदद की थी, जिस कारण से ये न्यूज में था। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 467 प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020, वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एपीएससी में इस तरह के सवाल डायरेक्ट आ जाएंगे। तो डिब्रूगढ़ वॉज डिक्लेयर्ड बेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन इंटायर इंडिया एज फार एज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 वॉज कंसर्न। दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 वॉज गिवन अंडर स्वच्छता ही सेवा कैंपेन। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 468 70mm फ्लिक्स। तो 70mm फ्लिक्स इज अ फुली SMEs ओवर द स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। जैसे नेटफ्लिक्स है, अमेजन है, वैसे ही 70mm फ्लिक्स स्टार्ट किया गया है। पिछले साल जनवरी में ये न्यूज में था। ये पूरी तरह से SMEs पोर्टल है। इट हैज़ बीन फाउंडेड बाई पंकज राज खोवा। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 469 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट।
So under 104th Constitutional Amendment Act, reservation of seats for the member of Scheduled Caste and Scheduled Tribe community in Lok Sabha and State Legislative Assembly has been extended for 10 more years. तो हर बार उनको 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाता है लोकसभा में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में. जब वो 10 साल पूरे हो जाते हैं तो उसको फिर से एक्सटेंड कर दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट करके. तो इस सब 25 जनवरी 2020 को इनके 10 साल पूरे हो रहे थे, तो फिर से 104th अमेंडमेंट करके इनके लिए 10 साल और रिजर्वेशन दे दिया गया, 2030 तक दे दिया गया. इसके लिए जो बिल लाया गया था दैट वॉज 126th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, लेकिन जब ये पास हो गया तो इट बिकेम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. इस बार एक नई चीज ये हुई है कि एंग्लो इंडियंस को जो रिजर्वेशन मिला हुआ था लोकसभा के अंदर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर, लोकसभा में 2 और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1, वो इस बार एक्सटेंड नहीं किया गया. तो एंग्लो इंडियंस का रिजर्वेशन अब पूरी तरह से खत्म हो गया. अब देयर इज नो रिजर्वेशन फॉर एंग्लो इंडियंस इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और लोकसभा. वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 470 इज अबाउट सेलिब्रेशंस ऑफ 100 ईयर्स ऑफ मणिपुरी डांस. तो देखिए, ये न्यूज़ अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें कई सारे आइडियाज़ मैं डिस्कस करूँगा, वो एग्ज़ाम में सीधे सीधे आ जाएंगे. मणिपुरी डांस के 100 साल पूरे हो गए थे, तो मणिपुरी डांस के 100 साल पूरे हो गए 2020 में, इसलिए मणिपुरी डांस के 100 साल पूरे होने पे सेलिब्रेशंस हो रहे थे शांति निकेतन में. तो शांति निकेतन कहाँ है? शांति निकेतन एक हेरिटेज हाउस है वेस्ट बंगाल के अंदर. इट इज़ सेंटर फॉर प्रैक्टिसिंग इंडियन आर्ट्स लाइक डांस, पेंटिंग, पोएम्स. इसकी खासियत ये है कि इट वॉज फाउंडेड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर. दिस आश्रम वॉज फाउंडेड बाई देवेंद्रनाथ टैगोर, फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर. ठीक है जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी स्टार्ट कर दी, विश्व भारती कॉलेज इन शांति निकेतन इन 1921. इट वॉज गिवन स्टेटस ऑफ यूनिवर्सिटी आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने स्टार्ट किया यहाँ पे आर्ट्स पेंटिंग की पढ़ाई, फिर यहाँ पे शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट किया, विश्व भारती कॉलेज, और बाद में इस विश्व भारती कॉलेज को यूनिवर्सिटी का स्टेटस मिल गया है. और ये शांति निकेतन के अंदर मणिपुरी डांस के 100 साल पूरे होने के सेलिब्रेशंस हो रहे थे, इस कारण से ये न्यूज में था. तो एक बार जरा जल्दी से देख लेते हैं डांसेज इन इंडिया. डांसेज इंडिया में 2 तरीके के होते हैं, क्लासिकल डांस. तो क्लासिकल डांस वो डांस होते हैं जिसमें प्रॉपर रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, आप ऐसा नहीं जैसे मर्जी वैसे डांस कर लें. उसका एक प्रॉपर कॉस्ट्यूम होता है जिसको पहन के ही आपको डांस करना है. ये काफ़ी पुराने होते हैं, ट्रेडिशन से रिलेटेड होते हैं, इसको करने के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए. इट इज़ जनरली ऑफ रिचुअलिस्टिक एंड एसोसिएटेड विद गॉड्स एंड गॉडेसेस. और क्लासिकल डांस का स्टेटस हमारे देश के अंदर संगीत नाटक अकेडमी जो इंस्टीट्यूशन है वही देता है किसी भी डांस को क्लासिकल डांस का स्टेटस. जबकि एक होता है फोक डांस. फोक डांस में कोई नियम कानून नहीं है, कोई कॉस्ट्यूम नहीं है, जैसे मर्जी आए वैसे नाचो, ये सब फन के लिए होता है, नो ट्रेनिंग रिक्वायर्ड. जैसे बिहू डांस है, इसमें ऐसा नहीं है, ठीक है थोड़े सिस्टम है, लेकिन जो जैसे मर्जी आए वैसे नाच रहे, इसमें कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं है. तो दैट इज़ एग्जाम्पल ऑफ फोक डांस. कालबेलिया है जैसे, मान लो एग्जाम्पल ऑफ फोक डांस. तो क्लासिकल डांस इंडिया में जो जो हैं उनको आपको याद करना है. क्लासिकल डांस का टैग कौन देता है? संगीत नाटक अकेडमी. तो 8 तरह के डांस हैं जिनको क्लासिकल डांस का टैग मिला हुआ है. भरतनाट्यम ऑफ तमिलनाडु, कथक डांस. कथक डांस मेनली इन उत्तर प्रदेश एंड अदर पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. कथक, कथक कली फ्रॉम केरला. कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश. मोहिनीअट्टम केरला. उड़ीसी उड़ीसा. सत्रिया डांस तो ऑफकोर्स ये तो आपको पता ही होगा, असम. एंड मणिपुरी डांस, मणिपुर. इसके 100 साल पूरे हो गए थे क्लासिकल डांस की तरह, तब इसको सेलिब्रेशन चल रहा था शांति निकेतन में. सत्रिया डांस के बारे में तो आपको आई होप पता ही होगा, 15th century AD में दिस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई श्रीमंत शंकर देव एंड ही यूज दिस एज ए मीडियम टू प्रोपोगेट वेस्टर्नाइट फेथ. इट इज़ हैविंग द डांस इवॉल्व फ्रॉम इवॉल्व एंड एक्सपेंडेड एज ए डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ डांस लेटर ऑन बिकॉज ऑफ इट्स रिलीजियस कैरेक्टर एंड एसोसिएशन विद सतराज वैष्णव मठ और मोनास्ट्रीज. दिस डांस स्टाइल हैज़ बीन नेम्ड एज सत्रिया डांस. ठीक है जी, सत्रिया से रिलेटेड है इसलिए इसको सत्रिया डांस बोला गया, सतराज से रिलेटेड इसलिए इसको सत्रिया डांस बोला गया है. वीडियो को पॉज कीजिए, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए. टॉपिक नंबर 471, 125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 में ही लाया गया था, लेकिन अभी तक ये पास नहीं हो पाया, इसीलिए अभी तक बिल के फॉर्म में ही है.
इस बिल का पर्पस था टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल ऑटोनोमी ऑफ द ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएटेड अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हैं 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल क्रिएटेड अंडर सिक्स्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 4 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। दे आर आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, AMTM। उसके अंदर ये 10 ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, इनके फाइनेंशियल ऑटोनोमी को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया है, लेकिन ये अभी तक पास नहीं हो पाया पिछले 2 सालों में। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 472, जापानीज इंसेप्टेलाइटिस। जापानीज इंसेप्टेलाइटिस में कैसा होता है, ब्रेन में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्रेन के अंदर कैसा है कभी कभार स्वेलिंग हो जाती है। फर्टिलिटी रेट तो वैसे लो है लेकिन फिर भी खतरनाक होता है, बट ओवरऑल फर्टिलिटी रेट लो है। जापानीज इंसेप्टेलाइटिस इज कॉज्ड बाई क्यूलेक्स मॉस्किटो। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 473, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इट्स एन एनुअल मीटिंग हेल्ड इन डावोस, स्विट्जरलैंड। इस साल 2021 में इसका 51st सेशन था और थीम था 2021 में द ग्रेट रीसेट। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 474, प्रणाम एक्ट। प्रणाम एक्ट, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पेरेंट्स रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड नॉर्म्स फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड मॉनिटरिंग एक्ट 2017। इट वॉज पास्ड बाई असम लेजिस्लेटिव असेंबली इन 2017। अंडर इट, इट इज मैंडेटरी फॉर द स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड द स्टेट PSUs एम्प्लॉइज टू लुक आफ्टर देयर पेरेंट्स एंड अनमैरिड डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स। इसके लिए एक प्रणाम कमीशन बनाया गया है विच विल रजिस्टर ए कंप्लेन अगेंस्ट सच पीपल हु आर वॉलेटिंग द नॉर्म्स। और जो लोग भी नॉर्म्स को वॉलेट करेंगे उनका 10-15% तक सैलरी डिडक्ट कर लिया जाएगा और वो पैसा दिया जाएगा उनके पेरेंट्स को या सिबलिंग्स को, डिफरेंटली एबल्ड सिबलिंग्स को अंडर दिस प्रणाम एक्ट। एंड ये जो अभी कानून है इट इज़ ओनली एप्लीकेबल फॉर स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज या फिर स्टेट PSU एम्प्लॉयज। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। मतलब ध्यान रखिए, यह प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज के लिए या सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के लिए प्रणाम एक्ट एप्लीकेबल नहीं है। तो आप ACS बन गए तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल होगा, याद रखिएगा। टॉपिक नंबर 475, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। तो ये 15 मेंबर की फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। इसमें पहले इंडिया भी था, तो ये टोटल 16 मेंबर्स का प्रपोज्ड फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एरिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट में 2019 में इंडिया ने पुल आउट कर लिया। तो अब ये 15 मेंबर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट एरिया बन चुका है। तो ये मेंबर्स को एक बार देख लेना, तो ये 16 मेंबर्स यहाँ पे हैं, उनमें से खाली इंडिया को हटा लो तो ये 15 मेंबर्स हैं। तो ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो गए 10, ठीक है जी। उसके अलावा तो ये 10 तो सीधा सीधा याद रहेगा आसियान, उसमें तो कोई टेंशन ही नहीं है। उसके बाद न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद यू हैव जापान, साउथ कोरिया एंड चाइना। तो ये हो गए 15 कंट्री, 5 और हो गए तो टोटल हो गए 15 कंट्री। ये 15 कंट्री हैं इस फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के मेंबर। तो 10 आसियान प्लस दीज 5 टुगेदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के मेंबर्स। इंडिया पुल्ड आउट ऑफ दिस नेगोशिएशन इन दिसंबर 2015, क्योंकि इंडिया को लग रहा था कि वैसे भी हमारे कई सारे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैं और अननेसेसरी इसमें इंटर करने से हो सकता है कि चाइना हमारे देश के अंदर फ्री ट्रेड अग्रीमेंट का फ़ायदा उठा करके डंपिंग करे। हमारे कौन कौन से देशों के साथ ऑलरेडी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हैं, तो सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया, आसियान कंट्रीज के साथ, तो ये 10-15 में से 5 के साथ तो ऑलरेडी, 10 के साथ ऑलरेडी है। उसके अलावा हमारा सिंगापुर, थाईलैंड के साथ, मलेशिया के साथ अलग अलग से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, चिली के साथ है, जापान के साथ है, तो अफगानिस्तान के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, तो सार्क कंट्रीज के साथ है, साफ्टा, श्रीलंका के साथ है। तो ये सब ऑलरेडी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं हमारे, तो इस कारण से हमें ज़रूरत नहीं महसूस हुई कोई एक्स्ट्रा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने की। और ये सब कंट्रीज़ के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ऑलरेडी हम नेगोशिएट कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ, इसलिए हमने ये साइन ज्वाइन नहीं किया RCEP। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 476, लैंग्वेजेस। तो क्लासिकल सबसे पहले समझते हैं 8 शेड्यूल लैंग्वेज, शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो शेड्यूल लैंग्वेज में कैसा है कि बोडो वाज नॉट ओरिजिनली पार्ट ऑफ 8 शेड्यूल लैंग्वेज। एज ए रिजल्ट ऑफ 93rd अमेंडमेंट एक्ट इन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथली वेयर मेड शेड्यूल लैंग्वेज। तो देखिए, ये बोडो वाज इंसर्टेड एज ए रिजल्ट ऑफ 93rd अमेंडमेंट एक्ट। तो अब टोटल 22 शेड्यूल लैंग्वेज हो गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। इट दिस शेड्यूल लैंग्वेजेस आर मेंशन इन 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस। असमीज पहले से था
लेकिन बोडो बाद में इंसर्ट हुआ। अब असमीज और बोडो तो हमारे स्टेट के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज है, असमीज का ऑफिशियल लैंग्वेज, और बोडो पूरे स्टेट के अंदर एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है, और बंगाली तीन डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन ये बोडो पहले शेड्यूल लैंग्वेज में नहीं था, बाद में 93rd अमेंडमेंट में इसको शेड्यूल लैंग्वेज बना दिया गया। टोटल अब देयर आर 22 शेड्यूल लैंग्वेजेज। उसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेज की अगर बात की जाए तो देयर आर 6 क्लासिकल लैंग्वेज। सबसे पुराना है तमिल, मेड इन 2004, फिर संस्कृत, फिर कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, उड़िया। याद रखना उड़िया लेटेस्ट वो लैंग्वेज है जिसको क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा मिला है 2014 में। यूपीएससी ने बैक टू बैक यही सवाल, ये जो सवाल मैंने आपको दिया, ये सवाल दो बार रिपीट करके पूछा है 2014 में और 15 में, बैक टू बैक पूछा है। तो हो सकता है कि आपसे फिर पूछ ले, ठीक है, एपीएससी में, एपीएससी वाले क्या पता उठा ले। तो ये सवाल देखना दो बार पूछा है एकदम वो सेम क्वेश्चन, तो ये सवाल आ सकता है एपीएससी में, इसको ठीक से अटेम्प्ट कीजिए। चलिए टॉपिक नंबर 477, सूर्या स्कल्पचर। तो सूर्या स्कल्पचर एक मिला है हमें, पिछले साल मिला था 2020 में, कॉटन यूनिवर्सिटी के कैंपस में हमें मिला था। इस सूर्या स्कल्पचर को देख करके लगता है इसके डिज़ाइन वगैरह से कि 11th से 12th सेंचुरी के बीच का है कहीं का। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता लगता है कि आसाम में, खासकर पान बाजार वाले एरिया में, अहोम से पहले भी कोई ना कोई सिविलाइजेशन तो ज़रूर थी, तभी 11th 12th सेंचुरी का ये स्कल्पचर वहाँ पर मिला है, सूर्या स्कल्पचर। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 478, K4 मिसाइल। तो ये जो के मिसाइल हैं, के सीरीज के मिसाइल हैं, उनको नाम दिया गया है के सीरीज आफ्टर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो के फॉर कलाम। और ये हैं सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब पानी के अंदर जो सबमरीन है वहाँ से एक ही बार बैलिस्टिक मिसाइल चलेगा लॉन्ग डिस्टेंस तक। तो के सीरीज मिसाइल्स आर सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। के सीरीज के अंदर चार मिसाइल बनाए जा रहे हैं, K15, K4, K5, K6। K15 ऑलरेडी बन चुका है जिसका नाम है सगारिका, तो K15 को ऑलरेडी बनाया जा चुका है, इसका नाम है सगारिका। और इस सगारिका को ऑलरेडी, ये K15 सगारिका को ऑलरेडी अरिहंत पे इंस्टॉल भी किया जा चुका है। अरिहंत इज आवर न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन, तो न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाला अरिहंत सबमरीन है जिसके ऊपर सगारिका को ऑलरेडी इंस्टॉल करा दिया जा चुका है। K4 भी बन के अब तैयार हो चुका है जिसकी टेस्टिंग शुरू हो गई है हाल फिलहाल में। तो यही न्यूज में था कि K15 तो ऑलरेडी है हमारे पास, न्यू सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल जो अरिहंत के ऊपर लॉन्च्ड है, तो सगारिका इज सिटिंग ऑन अरिहंत, ठीक है जी। और K4 अब रेडी हो रहा है, इसको हाल फिलहाल में फिर से अब टेस्टिंग किया जा रहा है। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 479, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020। तो पिछले साल 2020 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था गुवाहाटी में, दैट वॉज थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इट वॉज हेल्ड इन गुवाहाटी। इसमें कैसा है, और अगला जो खेलो इंडिया यूथ गेम है वो हरियाणा में होने वाला है। तो प्लान था कि जनवरी 2021 में होगा खेलो इंडिया यूथ गेम हरियाणा में, लेकिन कोरोना के कारण हो नहीं पाया। तो अब प्लान है कि फरवरी 2022 में फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स कराया जाएगा हरियाणा के अंदर। तो मतलब इस साल 2021 वाला खेलो इंडिया यूथ गेम्स हो नहीं पाया, हरियाणा में होने वाला था, हो नहीं पाया, अब अगले साल फरवरी 2022 में होगा, दैट विल बी फोर्थ खेलो इंडिया यूथ गेम्स। और जो अगले साल खेलो इंडिया यूथ गेम्स होने वाला हरियाणा में, उसका मास्कट है धाकर, ठीक है, उसका इमेज वगैरह अभी हरियाणा सरकार रिलीज करना भी बाकी है। हमारे यहाँ पे जो गुवाहाटी के अंदर हुआ था खेलो इंडिया यूथ गेम्स, थर्ड खेलो इंडिया यूथ गेम्स, उसका मास्कट था जया द ब्लैक बक एंड विजया द टाइगर। तो ये है विजय द टाइगर और ये है जया द ब्लैक बक, दीज वेर द मास्कट्स ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड एट गुवाहाटी, ठीक है जी। जो हमारे यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था 2020 में, महाराष्ट्र सबसे आगे रहा था, फिर हरियाणा, दिल्ली, असम का रैंकिंग रहा था 7th। वी वोन 20 गोल्ड, 22 सिल्वर, 34 ब्रॉन्ज, टोटल 76 मेडल्स। वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे चलिए। टॉपिक नंबर 480 इज अबाउट वेलफेयर स्कीम्स फॉर फार्मर्स इन असम। तो दो वेलफेयर स्कीम है, चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना, पिछले एपीएससी प्रीलिम्स में शायद से ऑलरेडी पूछ चुका है, शायद से 2016 वाले एपीएससी प्रीलिम्स में पूछा था। तो इस चीफ मिनिस्टर समग्र ग्राम उन्नयन योजना के अंतर्गत कैसा है, 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम 2016 to 2021। इसमें मेन फोकस रहेगा टेक्निकल सपोर्ट टू फार्मर्स लाइक ट्रैक्टर्स एंड पंप्स एंड स्किल डेवलपमेंट टू फार्मर्स। एक दूसरा स्कीम है मुख्यमंत्री कृषि सजोली योजना, इसके अंदर 5 लाख फार्मर्स को 5,000 रुपये कैश दिए जाएंगे सो दैट दे कैन बाई फार्म टूल्स एंड इक्विपमेंट्स।
चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, दिस इज लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इससे आगे कल हम लोग फिर चलेंगे। आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन टेस्ट पेपर हम लोग अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि आज थोड़ा लेट हो चुका है, तो कल सुबह 8 बजे तक आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन अपलोड हो जाएगा, आप कल सुबह इसको अटेम्प्ट कर लेना। थैंक यू एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।